पूरी दुनिया अभी कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, लेकिन इसी बीच उत्तर कोरियाई के तानाशाह किम जोंग उन ने बिना किसी वैक्सीन के ही इस बीमारी से विजय पा लिए हैं, ऐसा दावा किया गया है। इतना ही नहीं, इस बीमारी के कारण खुद किम जोंग उन की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इस बात का खुलासा खुद उनकी बहन ने किया। एक कार्यक्रम में किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने रोते हुए बताया कि कोविड-19 कोरोना की लहर के दौरान भाई किम जोंग उन को बुखार हो गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही उनकी किम जोंग उन की बहन ने कहा कि किम जोंग उन को बुखार हो गया था, वैसे ही हॉल में बैठे लोग रोने लगे। इस दौरान हॉल में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू आ गए और लोग रो बैठे। किम जोंग उन की बहन ने अपने भाषण में बुखार के साथ मुकाबले के दौरान उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन पर गंभीर रूप से बीमार थे इस बात की भी जानकारी दी। फिर लोगों के लिए उनकी चिंताओं के कारण एक पल के लिए भी नहीं लेट सके ये बात कही, और ये बात सुनकर लोग वहां पर रो बैठे। लोग हैरान भी हो गए कि बीमार होते हुए भी वो रेस्ट नहीं किए। लेकिन किम जोंग उन के बीमार होने के पीछे किम जोंग उनकी बहन ने दक्षिण कोरिया पर आरोप लगाया है। उनके देश में कोरोना वायरस दक्षिण कोरिया द्वारा गुब्बारों में भरकर भेजे गए पैम्पलेट यानी कागज के जरिए, पर्चे के जरिए फैलाया गया। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों को मिटाने की भी धमकी दी, ऐसा किम जोंग उन का कहना है, किम जोंग उन की बहन का कहना है। उन्होंने कहा कि अगर फिर से इस तरह के संक्रमण फैलाना जारी रखेंगे तो मैं उन्हें मिटा दूंगी। खुले तौर पर दक्षिण कोरिया को धमकी है। किम जोंग उन ने 10 अगस्त को सत्तारूढ़ दल की बैठक में भाग लिया। उन्होंने इस बीमारी पर, कोरोना जैसी बीमारी पर जीत का दावा किया। उत्तर कोरियाई ने अपने सैकड़ों हजारों रिपोर्ट किए हैं जो बुखार के मामले को कोविड नहीं कहा है, रिपोर्ट दर्ज किया है लेकिन बुखार लगने के मामले को कोरोना नहीं कहा। देश में परीक्षण किट को भी, कोरोना टेस्टिंग किट को भी हटा दिया। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन समर्थित कोवैक्स के नियमों का भी आपत्ति के कारण देश से बाहर वैक्सीन लेने से भी इनकार कर दिया कि देश में वैक्सीन भी नहीं आएंगे। आपको बता दें कि अधिक वजन और धूम्रपान करने वाले किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर कई वर्षों से अटकलें लगाई जा रही है और चिंता भी जाहिर करती जा रही है। इसीलिए उनकी सार्वजनिक उपस्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाती है कि उनके परिवार में हृदय रोग, हार्ट अटैक का भी इतिहास रहा है। किम जोंग उन पिछले महीने ही लगभग 17 दिन तक मीडिया में नजर नहीं आए थे, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं किम जोंग उन को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन फिर अचानक किम जोंग उन मीडिया में आए। किम और उनकी शादी कब हुई ये तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन 2012 में अचानक से सरकारी मीडिया ने ऐलान किया कि सोल किम उनकी पत्नी है। उत्तर कोरिया की एक एंकर री चुन री ने सोल जू की फर्स्ट लेडी बनने की घोषणा की थी। रिपोर्ट की माने तो कपल ने 2009 या 10 में शादी की होगी, एग्जैक्ट डेट नहीं आया सामने। री सोल ने 2012 में बेटी जू ए को जन्म दिया था। बॉलीवुड के फिल्मों में शाकाल और मोकैम्बो जैसे विलन आपने खूब देखे होंगे। मोकैम्बो अपने दुश्मनों को केमिकल में डालकर मार देता था, गला देता था। वहीं पर शाकाल अपने दुश्मनों को, भूखे मगरमच्छों को निवाला बना देता था। भले ही ये विलन फिल्मों में रहे हों, लेकिन इसी तरह का इंसान उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को माना जाता है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि किम जोंग उन की कई किस्से हैं, जो कैसे वो मौत के घाट उतारते थे। उसने एक बार अपने जनरल को पिराना मछलियों से भरे टैंक में डाल दिया था। ये वही मछलियां हैं जो तेज दांतों से किसी को भी चबा डालती हैं। किम जोंग उन की सजा देने की कई तरीके मशहूर हैं, जैसे कि तोप के गोले से दाग देना, एंटी टैंक बंदूक से शरीर के कई टुकड़े कर देना, उल्टा लटका कर जला देना। ऐसे खतरनाक कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से किम जोंग उन को खतरनाक तानाशाह माना जाता है और सबसे सनकी भी कहा जाता है। लेकिन इस बार जो खबर है, उनकी बहन ने जो कही है कि उन्हें बुखार थी और बुखार की वजह की जब लोगों को पता चला तो लोग भरे हॉल में रोने लगे, ये भी काफी दिलचस्प है।
आप देखते रहिए न्यूज़ तक।